नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। केंद्र सरकार द्वारा पेगासस से फोन टैप किए जाने वाली लिस्ट में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा का नाम आने से रेल कर्मियों में रोष व्याप्त हो गया है। उसी के विरोध स्वरूप पूरे देश में रेल कर्मियों ने हर ब्रांच पर धिक्कार दिवस मनाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मीटिंग को संबोधित करते हुए NCRMU के आगरा मंडल के प्रेसिडेंट NK शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने फोन टैपिंग करके निजता के अधिकार का उल्लंघन किया है, जो अपराध की श्रेणी में आता है। शिव गोपाल मिश्रा ने 2017 से 18 से फोन टैप करने का मामला है, जब यूनियन 7वें वेतन आयोग के लिए हड़ताल की तैयारी कर रही थी। संसद में इसकी जांच की मांग की जा रही है, पर सरकार मांग नहीं मान रही है। इसी से पता चलता है कि सरकार दोषी है। यूनियन मांग करती है कि सारे मामले की जांच कराई जाए। मंडल उपाध्यक्ष संजीव जैन ने कहा कि NSO कंपनी जो इसराइल की है, पेगासस सॉफ्टवेयर केवल सरकारों को ही बेचती है। भारत सरकार बताए कि उसने खरीदा है या नहीं और कितने पैसे में खरीदा है, सरकार बताने को तैयार नहीं है। मीटिंग को DK गोयल और संजीव रावत ने भी संबोधित किया। आगरा से सैफ खान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।